नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट करियो? चलो ऑटो जाने दो मुझे यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम चाहती क्या हो, फिर मुझे बताना। ये जो करण मेरे सामने खड़ा है, ये मुझसे नाराज रहता है, मुझ पर गुस्सा करता है, मुझे कड़वी बातें सुनाता है, ताने कसता है, हर बात पर मेरा मजाक उड़ाता है, ऐसा वाला करण मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने मूड के हिसाब से चलता हूँ, फिर कोई मुझे अच्छा समझे या बुरा। ठीक, समझ गई। तुम कुछ नहीं समझे, अगर समझना होता ना तो तू 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 कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम इतनी बड़ी बात हजम भी नहीं कर पाओगे। तुम एक बार बोलकर तो देखो। कभी कभी मेरी बात भी सुना करो, मुझ पर भी यकीन किया करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सच्चाई के दम पे बोलता हूँ। समझ में नहीं आया। क्या था? तुम कुछ नहीं समझोगे, सब मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। प्लीज थैंक यू। देख लिया था तू क्या गड़बड़ चल रही है बाहर? तो मैं सोच रही हूँ, तू भी वही सोच रही? हाँ दादू। लेकिन हम जो दोनों सोच रहे हैं, अगर वो सच हो गया ये तो वाकई परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि कल तो पृथ्वी से इसकी सगाई है। फिकर नॉट दादू, सगाई से पहले पार्टी भी तो है। पहले कि ये बात हमारे दिमाग से निकल जाए, हमारे हाथ से मौका फिसले, हमें मौके को छीनना चाहिए दादू। मतलब दादू, फिकर नॉट, कल पार्टी खत्म होते होते हमें ये पता चल ही जाएगा दी की एंगेजमेंट होगी भी या नहीं। अब यहाँ अंगूठा रखिए। ओके। बाहर कुछ गड़बड़ हो रही। मौन कहाँ है? पुलिस के हाथों मारा गया। पुलिस वालों की तो मैं उनकी छोड़ और तू अपनी सोच। उसकी जगह पर तू भी मारा जा सकता था, लेकिन बच गया ना, ये अब आगे की सोच। और चल यहां से, चल। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, और मैं सबकी लाशें बिछा दूंगा। बहुत हो गया काम धंधा, बंद करो कंप्यूटर, बंद करो ये मेला। ए, मेरी पेपर्स रेडी करो। अरे जान बचेगी तो करूंगा ना। ए, मैडम मालूम नहीं पड़ रहा, सब बंद है। ये सब क्या हो गया? इन लोगों ने सब कुछ बंद करवा दिया। हे भगवान, मुझे किसी भी तरह रजिस्ट्रेशन करवा के कोर्ट पहुँचना है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर निकलो। जब पुलिस अंदर आई तो एक एक को छलनी छलनी कर देंगे। ए, ए, पूरम जी, छोड़ो उसे। पूरम जी, पूरम जी। ए, लिसन, उसे छोड़। पूरम जी, पूरम।
पूरम जी क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रज्ञा चलो कोर्ट का टाइम हो गया है, आज सुनवाई है। अरे हौलदार दरवाजे खोलो। प्रज्ञा मुझे कोर्ट में मिलेगी और ठीक ही होगी। अरे वर्मा जी आ गए, आप लोग आ गए, अब तो बर्थडे गर्ल को भी आना चाहिए। मैं एक्सक्यूज मी पत्नी जी, क्या बात, आप पीछे आ गए, मैं पता ही नहीं चला, क्या लग रही है आप, बाय गॉड की कसम। और ये नया बालों का कलर तो मतलब कमाल ही लग रहा है, जवानी दीवानी परफेक्ट। बाय द वे बर्थडे गर्ल कहाँ है? ओ लीजिए नाम लिया और आगे। मम्मा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सिस्टर। थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत प्यारी लग रहे हो आप भी। हैप्पी बर्थडे। ओ थैंक यू। हैप्पी बर्थडे करीना मैम। Hello, hello, hello. Have your attention, please. Please have your seats.
थैंक यू सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब मेरी बुआ की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए. यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग बुआ. एंड स्पेशल थैंक्स टू बुआ की क्लब फ्रेंड्स. यस आई मीन लेडीज आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि आप ये दो दो पीस कैसे मैनेज करते. I mean, first piece for the parlor and the second piece for the party. Well, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ सेल्फी खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. लेकिन आज की स्टार बुआ है. तो मैंने बुआ के लिए स्पेशली एक सेल्फी कॉर्नर रेडी किया है जहाँ पे आप जाके बुआ के साथ जितनी सेल्फी हो खिंचवा सकते हैं. बट बिफोर दैट दिस इज टू मच ऑफ फॉर्मल पार्टी. लेट्स बिगिन द एक्चुअल पार्टी, द फन पार्टी. सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी बाय सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bua. Happy birthday to you. This is for you, Bua. Happy birthday, Bua. Thank you so much. Happy birthday, Bua. Thank you, beta. Happy birthday, Karina, Bua. Thank you so much. God bless. Thank you. I just can't believe this. Thank you so much, my lovely bacha. Kya anokha andaaz tha birthday wish karne ka. Thank you. How sweet, ji. Lekin tum logo ne ye music kab seekh liya? To aapko kya lagta hai, Mom? Hum kisi actor se kam hai? एक दिन में सिखाया, एक दिन में बुआ. मैंने सिखाया. तूने? अबे चुप करो तुम दोनों यार. मॉम मेरे दोस्त से क्रैश कोर्स किया. तेरे को नेचुरल टैलेंट है हमारा. क्रैश कोर्स तेरे क्रैश कोर्स. इट वाज अमेजिंग. और यू बुआ? सो गाइस सभी लोग पार्टी एंजॉय कीजिए. फुल ऑन मस्ती एंड धमाल. अपने से अच्छा नहीं है. कैसे कर ले तो तुम लोग यार, क्या कमाल किया. मुझे सच्ची सच्ची बता दे, Do you love समीर? तू समीर से प्यार करती है? हाँ ठीक है, मुझे वो लड़का पसंद है, लेकिन भी मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है. तो कोई बात नहीं ना पगली, फाइंड आउट कर लेते. वेरी गुड. आप जैसी औरतों को तो पुलिस में होना चाहिए. क्या निशाना लगाया है? थैंक यू. तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मैं ठीक नहीं. जरा निशाना इधर का उधर होता, गोली मुझ पर लग. तुमने बंदूक चलाना कब सीख ली? डर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है. डूब रहे हो तो तैरना आ जाता है, अगर शेर पीछे भाग रहा हो तो दौड़ना आ जाता है. ऐसे ही मुझे निशाना लगाना आ गया. मैंने सुना है डर में इंसान या तो कुछ कर जाता है या फिर मर जाता है. और मैं
पहली कैटेगरी से, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? तुम्हारे भाई पूरब को भी यही लगा था कि मैं तुम पर गोली चलाने वाली हूँ, पर मेरा निशाना उस पर था जो हमारी डील के बीच में आ रहा था। अगर तुम पर होता तो मजाक कर रही। आइए फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, आपके हस्बैंड मिस्टर मेहरा कोर्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें। मेरे फोटो और फिंगरप्रिंट्स की प्रोसीडिंग्स रह गई। ये कहाँ गई? शायद पानी पीने गई हो। नहीं दी, वो सिमोनिका की डिटेल्स ले रहे हैं। दी भले ही अवंतिका अपने आप को अवंतिका प्रूफ कर चुकी, लेकिन आपकी तरह मुझे भी शक था कि वो सिमोनिका है, और फिर छूटा उसके बाद तो ये साबित भी हो चुका है। एक मिनट। हेलो मैम, हम लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। मिस्टर मेहरा आपके विषय में पूछ रहे हैं। बस उनसे कहिएगा कि हम उनकी बेगुनाही का सबूत लेकर आ रहे हैं। ओके मैम। चलो सर, अगर सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, आप प्लीज प्रिंट आउट दे दीजिए। हाँ हो गया, अभी दे देता हूँ। क्या हुआ? ये सरकारी मशीन भी ना रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम देती रहती है। अब देखिए ये प्रिंट आउट अटक गया ना। आपका मतलब क्या है? अब ठीक नहीं होगा? बस थोड़ी देर में, अभी ठीक करता हूँ। हाँ माँ, प्रज्ञा तू कोर्ट पहुँच गई है ना? नहीं, आप लोग पहुँच गए, हम लोग आ रहे हैं। सर आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, प्लीज। अभी हो जाएगा, बस लाइए, मैं ठीक करता हूँ। इधर दीजिए। अवंतिका तुम ये मशीन वगैरह छुपा, हम चलते हैं, ये प्रिंट आउट बाद में भी ले सकते। नहीं नहीं नहीं, अभी फॉर्मेलिटीज हुई हैं, मैं प्रिंट आउट के बिना कहीं नहीं जाने। अवंतिका इस समय पता नहीं कितना वक्त है, फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, सब कुछ तुम्हारे नाम पे रजिस्टर हो चुका है, कोर्ट में सब हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, पेपर्स के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था रजिस्ट्रेशन पहले होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो चुकी, ये प्रिंट आउट कभी भी ले सकते, तुम प्लीज मेरे साथ कोर्ट चलो। नहीं, तुम चल रही हो या पूरब से कह के रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा दो। एक बार बोल दिया ना, पेपर्स के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पेपर्स चाहिए ना तुम्हें? अगर तुम मेरे साथ इस वक्त कोर्ट नहीं जाओगी तो ये पेपर्स यहीं पे फाड़ दूंगी। तुम चल रही हो या मैं फाड़ दूं? ठीक है, ये पेपर्स रेडी कर आप मेरे हस्बैंड को दे दीजिए। जी। अविनाश सारे पेपर्स चेक कर ले। चलो। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सैमी, ये कौन सा सॉन्ग लगा दिया? सॉरी 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 भाई, मैं अभी चेंज करता हूँ। सॉरी सॉरी। समीर भाई, इट्स ओके, होता है। और वैसे भी नजर अगर अपने प्यार पे हो तो रोमांटिक सॉन्ग ही बजेगा ना। वैसे एक बात बताओ, आप अभी अपनी लंबू सॉरी सॉरी
सृष्टि को देख रहे थे ना? Am I right or am I right, भाई? तू चुप कर, काम करने दे। ओह, जरा दिखाना सारा। ओए होए होए। क्या कर रही है? तुम्हारा चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया है, हाँ? क्या बात है, मतलब भाई ने एक रोमांटिक सॉन्ग क्या प्ले किया, उसका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? Let me guess, गाना किसी और ने गाया, पर तेरे दिमाग में वो ब्यूटीफुल फिल्म चल रही होगी जब भाई तेरे लिए गाना गा रहा है। लव का असर है? Just stop it. ए हेलो मैडम, खुद की पटर पटर माउथ मशीन बंद हो गई तो मुझे चुप करा रही है, मार के मैं चुप नहीं बैठती, बड़ी आई। एक लफ्ज और निकाला ना तूने तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वाह 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 वाह, मतलब ये सही है, खुद की चोरी पकड़ी जाए तो मुझे चुप बिठाओगी तुम? हाँ, मैं चुप नहीं बैठने वाली, मैं तो बोलूंगी। अब तू देख, मुझसे बातें मत कर तू। ऐसे कैसे, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे, रुक जा, सुन तो मेरी बात सुन। हाँ एक्चुअली वो मैं ऐसे कपड़े नहीं डालता हूँ, पर वो करण और समीर ने जबरदस्ती जिद की तो मुझे निकाल के दिए कपड़े, तो मुझे पहनने। इनफैक्ट मैं चेंज ही करने के लिए जा रहा था। सो आई विल सी यू गाइस, या बाय, एंजॉय योर सेल्फ, बाय। ऋषभ जी, अरे प्रीता जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज आप बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे को मालूम था कि अगर मैं ऐसे कपड़े डालूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं इनफैक्ट चेंज ही करने के लिए जा। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आपको कभी कभी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। I'll go. क्या प्रॉब्लम है तेरे? क्या प्रॉब्लम है भाई तेरा? क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू बोलना चाहिए था ना, थैंक यू बोलना चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट देके गई है तुझे, थैंक यू तो बोलना चाहिए था, तो नहीं बोला ना। हाँ तो अभी जाके बोल देता हूँ ना थैंक यू। कितना स्वीटली बोला है। ऋषभ जी आपको ना ऐसे कपड़े बहुत सूट करते हैं, कभी कभी पहनने चाहिए। संजना, शर्लिन, करीना, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा, कितनी देर लगा दी आप दोनों ने। अरे बस थोड़ा सा यूं ही कुछ। ये आपके लिए। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन यहाँ भी मौजूद है। जी तो करता है धक्के मारकर निकाल दो इसे यहाँ से। ये फूल जिनके लिए लाए हैं उन्हें ही मिलने चाहिए ना करीना? दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आंटी जी ये आपके लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सृष्टि, ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। अरे यार शर्लिन जो फूल लाई थी वो तो पृथ्वी पर बिच गए। ये तो पागल है क्या, क्या तुम बोलती जा रही है? अपने मामा के बर्थडे पे क्या कुछ चढ़ा कर आई है क्या? कब से कमेंट्स पे कमेंट पास किए जा रही है? ऐसा क्या बोला भाई मैंने? सारा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे और समीर को लेकर भी टॉन्ट मारा था तूने। ओ हेलो मैडम, कुछ झूठ तो नहीं बोला था? और वैसे भी सच्चाई बोलने में कैसे शर्म? हाँ मैं ना तुम्हें बहुत सीधी साधी क्यूटी पाई समझती थी, पर आई एम सॉरी टू से एंड आई स्वेयर बाय गॉड तुम्हें ना मुसीबत हो मुसीबत। उफ, तुम फैंस भी ना। थैंक यू फॉर द तारीफ। तो सुधरेगी नहीं? सॉरी सृष्टि। अच्छा मैं दी के पास जा रही हूँ, आ जा वहाँ पे। होने की से अपार सही बोल रही थी, कहीं मुझे वाकई में नशा तो नहीं हो गया? जो नहीं है वो सब दिख रहा है। और खैर वो तो ठीक है,
पर जो दिख रहा है मैं उसका क्या करूं? चल मैं कुछ भी सोचती हूं। प्रज्ञा अभी तक नहीं है, उसे तो सबसे पहले आना चाहिए था। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आज ये केस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक मेहरा ने ही सिमोनिका का मर्डर किया है। ये साबित करने के लिए मेरे पास कई गवाह हैं, कई सबूत हैं, जो ये बताएंगे कि मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ही सिमोनिका को होटल के थर्ड फ्लोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, बहुत हो चुकी दलीलें, आज इस केस का फैसला होगा, जिसके लिए मैं कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जिनका कनेक्शन इस केस से डायरेक्ट है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पहले गवाह हैं उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर, जिस ऑटो रिक्शा में सिमोनिका बैठी थी। प्रभु, प्रभु हाजिर हो। ये प्रज्ञा पता नहीं तू कहाँ है। प्रज्ञा, एक बात बताओ अवंतिका, तुम जो कर रही हो वो फाइनल है? हाँ, एब्सोल्युटली फाइनल। दी, ये फाइनली बोल तो रही है, पर अगर कोर्ट में जाके मुकर गई तो ये नहीं मुकर सकती। मुझे ये एक नंबर की लालची लगती है। होना तब मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस औरत को जानते हो आप? जी सर। कैसे? सर, ये औरत उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी। तुम्हारे ऑटो में एक दिन में कितने लोग बैठते होंगे? सर, ये कोई 20 से 25 लोग। 20 से 25 लोग आपके ऑटो में बैठते हैं, फिर भी तुम्हें इस औरत का चेहरा ध्यान से याद है? जैसे मैंने आपसे सवाल किया, तुरंत आपने जवाब दिया, हाँ पहचानता हूँ। सर, वो क्या है ना, उस दिन मैडम ने मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया था मेरे ऑटो की मरम्मत के लिए। क्या हो गया था ऑटो? सर, वो टूट गई थी। कैसे? सर, वो मैडम उस दिन घाय में थी और इनकी गाड़ी ने मेरे ऑटो को ठोक दिया और उसके बाद ये हमारा पीछा करने लगे। Point to be noted, my lord. Mr. मेहरा उस ऑटो का पीछा कर रहे थे जिस ऑटो में सिमोनिका बैठी थी। ऑटो में इस औरत ने तुमसे कुछ कहा था? मैडम बहुत घबराई हुई थी साहब। किससे? इस आदमी से सर। Point to be noted, my lord. कोई किसी से तभी डरता है जब सामने वाला उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसे जान से मारना चाहता है। उस दिन क्या क्या हुआ अदालत को खुलकर बताओ। फिर वो सर, मैडम ने ऑटो तेज करने को कहा। सर, ये आदमी हमें रोकना चाहता था लेकिन हम रुके नहीं, ये आदमी बहुत गुस्से में था सर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर मेहरा गुस्से में थे, गुस्से में पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है, गुस्से में नौकर मालिक को गाली दे देता है, गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है। मिस्टर मेहरा भी गुस्से में थे जो सिमोनिका के साथ कुछ भी कर सकते थे। फिर क्या हुआ प्रभु? मैंने फिर मैडम को कोरोना इंटरनेशनल होटल छोड़ा। योर टर्न प्लीज। नो क्वेश्चन मिलाड़।
योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह बिल बॉय को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। आपने इनको यानी मिस्टर मेरा को होटल में क्या क्या करते देखा है, सब कुछ साफ साफ बताओ। सर, ये उस मैडम के पीछे भाग रहे थे, वो काफी गुस्से में भी थे, फिर ये मेरी ट्रॉली से टकराए और टकराने के बाद कस्टमर का सारा सामान नीचे गिर गया। लिफ्ट बंद होने के बाद इन्होंने सीढ़ियों से चढ़कर मैडम का पीछा किया, इन्होंने थर्ड फ्लोर तक मैडम का पीछा किया। That's it, my lord. उस फ्लोर तक जहां से सिमोनिका गिराई गई थी। डिफेंस की तरफ से कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन मी लॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे कंटिन्यू। जज साहब, अब मैं अपने अगले गवाह अभिषेक मेहरा के उस फैन को बुलाना चाहता हूं जिसने उस दिन अभिषेक मेहरा के साथ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की थी। इजाजत है? तो आप बताइए कि आप इनको पहचानती हैं? जी, उस दिन हम उस होटल में थे, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में वहाँ पर गई थी। जैसे ही हम अपने रूम से निकले, लिफ्ट के पास में मिस्टर अभी थे वहाँ पर। हमने उनसे सेल्फी के लिए पूछा, बट वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेरे दोस्त को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मिस्टर अभी कॉरिडोर के साइड में निकल गए। आप जा सकती हैं। जस साहब, अब मैं अपने अगले गवाह होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ महेंद्र को बुलाना चाहता हूँ। जो उस वक्त फ्लोर पे ना होता तो सिमोनिका बच सकती थी। इजाजत है? थैंक यू। आपने उस होटल में क्या क्या देखा, इन्होंने वहां पर क्या क्या किया, सब कुछ साफ साफ बताओ। सर, जब मैं थर्ड फ्लोर के रूम्स की क्लीनिंग करके आ रहा था तो मैंने कॉरिडोर में अभिषेक जी को देखा। इन्होंने मुझसे टॉवल मांगा और मैंने उनको टॉवल भी दे दिया और मैं वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी ट्रॉली में से मास्टर की गायब है। फिर मैं उसको ढूंढता दोबारा उसी जगह पर आ गया जहां पर मैं अभिषेक जी से मिला था और मैंने देखा कि वहां पर पुलिस आ चुकी थी और रूम नंबर 305 की खिड़की टूटी हुई थी जिसमें से गिर के एक लड़की की मौत हो चुकी थी। और ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये है उसकी सीडी। पूरा कोई और शॉर्टकट ही है? ये शॉर्टकट ही है, पर आई डोंट नो आज इतना ट्रैफिक क्यों है यहाँ। तुम लोग मुझे कोर्ट में मिलो, मैं निकलती हूँ। दी, आप दी रुकिए, क्या कहा? चलो अवंतिका। अरे प्रज्ञा, आगे जाम है। इसलिए मैं कह रही हूँ हम आगे से ऑटो ले लेंगे। चलो। डूड, मैं ऑटो में मैनेज नहीं कर सकती। What do you mean मैनेज नहीं कर सकती? कोर्ट पहुँचने में हमें देर हो रही है। चलो। अरे कुछ भैया, सेशन कोर्ट। उधर नहीं जाना है। मैं पुलिस को बुलाऊं फिर जाएंगे? नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अवंतिका बैठो। मैडम क्या कर रही हो? भैया प्लीज जल्दी चलाइए ना। कोर्ट में इनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या झूठे सबूत दिए जा रहे होंगे।
पृथ्वी को ढूंढ रहा है क्या ये? हो सकता है इसने पृथ्वी को इनवाइट तो किया है, लेकिन इसने जो वजह बताई है कि राखी आंटी इसकी और पृथ्वी की दोस्ती चाहती है, वो सब सच है या फिर इसके खुराफाती दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है? आखिर क्यों इनवाइट किया है इसने इतना जोर देकर? पता तो लगाना होगा कि ये चाहता क्या है। मैम, ओके। किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, और तुम मेरे ढूंढने में किसे ढूंढ रही हो बालिके? तुम ना एक काम करो, डॉक्टरी छोड़ के ना जासूसी शुरू कर दो। ये देखने के लिए कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चली आई। अरे जाने जा, वैसे भी मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। क्या बात है पीता अरोड़ा, मैं तुम्हारी नजरों में हीरो हूँ ये तो मुझे पता था कि तुम मुझे आई लव यू कहने से डरती हो, लेकिन तुम करण लूथरा के प्यार में इतनी दीवानी हो कि तुम मुझ पर PhD करने लगी हो। वाओ, तुम्हें सब कुछ पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किसे ढूंढ रहा हूँ। इतना प्यार मत करो, तकलीफदायक होता है एक तरफा प्यार। तुमसे प्यार करेगी मेरी जूती, और तुम्हें स्टडी करने में ना PhD की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, पार्टी का माहौल है लेकिन करण लूथरा अपने गेस्ट को छोड़कर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहा है। जाहिर सी बात, वो किसी को तो ढूंढ रहा है जो उसे मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन हो रहा है। इसका मतलब उसके शैतानी दिमाग में जरूर कोई कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी पक रही है। सिंपल। करे लिए काम करता हूँ मैं, पता क्या सोच रहा हूँ कि ये सब क्रिकेट वगैरह छोड़ के तुम्हारे साथ घंटों बैठकर बातें करूं। करूं क्या? सुनूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो स्टूपिड दिमाग के स्टूपिड थॉट्स हैं ना, उसमें क्या खिचड़ी पक रही है ये मुझे पता चल जाए। जैसे कि अभी अभी तुम्हारी एक छोटी सी बकवास से मुझे पता चला कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी को ढूंढ रहा हूँ। राइट, बोलो बोलो, से टेल टेल। चल झूठी नौटंकी। ठीक है तो तुम ही बता दो किसे ढूंढ रहे हो। तो बहुत डेस्परेट होगी जानने के लिए। मैं कोई डेस्परेट नहीं। ऑलराइट फाइन, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन उसकी वजह भी तुम हो। कल देखा नहीं था कैसे तुमने कितना जोर देके कहा कि पृथ्वी को जरूर लेकर आना, अब इतना ऑब्वियस कर रहे हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हारी उस शराफत पे बिलीव कर लेती हूं जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो एक बड़ी गंदी आदत है फ्लर्टिंग की, तो तुम किसी लड़की का वेट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए गर्ल्स से इम्पोर्टेंट और क्या है? राइट? गर्ल्स नहीं गर्ल, और वो लड़की तुम हो प्रीता। करेक्ट, सही कहा तुमने, माई जानी दोस्त दुश्मन। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तुम्ही ने मुझे रोक रखा है। मैंने कहा रोक रखा है? यस, ये देखो बातें करके मुझे रोक रखा और मुझे ढूंढने नहीं दे रही जिसकी मुझे तलाश है। किसकी तलाश है तुम्हें? I really don't care. वो मेरे मुंह से निकल गया। वैसे भी किसकी तलाश होगी? होगी किसी आइटम शाइटम की, जैसे मलिश्का, सोफिया, सुजैना, रिहाना, whatever. जाओ तुम उसके पास। वैसे मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है। What nonsense? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब है, पहले उसका इलाज कराओ। कोई सेंस नहीं है उसमें, अगर सेंस होता ना तो सच्चाई पता चल जाती तुम्हें। पृथ्वी तुम्हारी तरह नहीं है, फ्लर्ट, चीपो। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा वो ढीला ढक्कन ना मेरे साथ जन्म तक भी बराबरी नहीं कर सकता। कहाँ मैं, दी करण लूथरा, सूरज, और कहाँ वो 0 वाट का बल्ब, वो भी फ्यूज। Forget it. इडियट लड़की, एक दुनिया की इकलौती लड़की जिसके जिसके लिए मेरे दिल में कभी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। अकल की अंधी उस गुलाटी मार बंदर की तारीफ कर रही है। I just hate it. गिरीश भैया, सर पानी देना। Thank you. क्या हुआ दी? फिर से करण सर से लड़ाई हो गई क्या? अब तू मत चुर हो जाएगी, वरना तू एक खाएगी। Okay, okay. सृष्टि यार क्या कर रही है? परेशान मत कर, और वैसे भी वो ऐसी वाली फाइट थोड़ी हुई थी। वो तो वैसी वाली फाइट है यू नो, जो लवर्स के बीच में होती है, क्या बोलते हैं उसे? लवर्स ट्रिप।
पानी? यहाँ से उठते हैं वरना तुझे भी मारे। मुझे पानी पीना है। नहीं चलो। क्या हुआ बेबी, तुमने मुझे इशारा करके यहाँ पे क्यों बुलाया? I'm so happy. I'm just saying, आज शाम को तुम्हारी सगाई हो रही है। हमारे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आज पूरा हो जाएगा। All the best. तो आप मुझे करण लोथरा के घर पे लेके आई हैं। तुम जानती हो करण को? हाँ जानती हूँ। कामिनी, कामिनी। Happy birthday, Karina. Thank you so much. कैसी हो तुम? Very good. This is for you. Thank you so much. Your daughter? Yeah, Tapsi. Happy birthday, aunty. Thank you. Really happy birthday. Thank you, beta. Karina, पता नहीं कितने साल के बाद मिल रहे हैं और ये पार्टी का इनवाइट अचानक बिग सरप्राइज था मेरे लिए और तुम्हारे भतीजे करण ने इतना ज्यादा जोर डाला ना कि तापसी को जरूर लेके आना, यंग पार्टी है ना। आई नो मॉम, आप ये सब मुझे कब बताने वाली थी बताइए? करण बेटा यहाँ आओ। देखो करण तापसी को किस तरह से देख रहा है। बर्थडे पार्टी में इनवाइट करण ने तो भी किया है पर एक्चुअल इनविटेशन तापसी के लिए था। मैं अपने करण को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब भी मेरे फ्रेंड्स की बेटियों से मिलना चाहता है ना तो यही तरीका अपनाता है। इट्स इज ओल्ड ट्रिक। करण बेटा, कामिनी। हेलो। हाय। हाय। हेलो करण। हाउ आर यू? गुड। और बेटा, इसके साथ तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स नॉट बुआ, तापसी। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, तुमने तापसी को यहाँ इनवाइट क्यों किया है? मेरी बर्थडे पार्टी के लिए या फिर अपने लिए? ऑफ कोर्स बुआ, अपने लिए। इसका यहाँ आना बहुत जरूरी था मेरे लिए। जाओ तुम दोनों अब एंजॉय करो। कोर्स तापसी, यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगी वरना ये पृथ्वी का नाम लेगा और मेरी मॉम को पृथ्वी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मॉम को पता चला कि मैं दोबारा पृथ्वी से मिली हूं तो हंगामा कर देंगी। तापसी मेरी बात सुनो, तापसी बात तो सुनो यार। देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, मैं पीछा मत कर। तो जैसा सोचा था वही निकला, ये इसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। ओ गॉड, पता नहीं ऐसा क्या है इस लड़की में जो पृथ्वी इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। आखिर इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ, इसमें ऐसा खास क्या है?